you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And how you don't know how to keep your business clean? हेलो शुगा बॉस, इनू तुम सुबह से कहाँ थे? आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो सॉरी बॉस, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा चलो ठीक है, वैसे भी आज शुगा भाई की शादी है। क्या शुगा बॉस की शादी? लेकिन किसके साथ? इनके साथ, ये है मेरी प्यारी जिमिला भाभी जिनके साथ मेरी शुगा भाई की शादी होने वाली है। शादी करने वाला हूँ। क्या मतलब आप दोनों इनके साथ शादी करने वाले हो? हाँ इनो, और जैसे कि मैंने कहा कि आज शुगा भाई की शादी है मेरी प्यारी जीवन भाभी के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जोन मेंशन आज फूलों से और लाइटिंग से सजाना चाहिए, और शादी के कार्ड भी जल्दी ही छपा लो। आई होप कि मैंने क्या कहा वो तुम समझ ही गए होंगे। हाँ बॉस, मैं समझ गया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन शुगा बॉस एंड जीवन भाभी। थैंक यू इनो, अब जाओ और जल्दी से काम शुरू कर दो। ओके बॉस, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इस जोन मेंशन को ऐसे सजवाऊंगा कि आप देखते ही रह जाओगे। आप ही क्या, पूरी दुनिया देखती रह जाएंगी। गुड, आखिरकार कोई मुझे भी बताएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है? उत्तरी की मम्मी। मम्मी आप? हाँ बेटा, तुम लोगों के मम्मी फिर से तुम लोगों को मिलने आ गई। तुम लोगों को तो पता ही होगा तुम्हारी मम्मी तुम लोगों से कितना प्यार करती है। हाँ मम्मी, अच्छा हुआ कि आप आ गई, आज मैं शादी कर रहा हूँ। मम्मी क्या तू शादी कर रही है शुगा, और तुमने मुझे बताया भी नहीं, आखिरकार तुम कब बताने वाले थे मुझे? अरे मम्मी आप नाराज मत होइए, मैं आपको बताने वाला था। कब बताने वाले थे? जब तुझे बच्चे हो जाते तब। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनिए, अब क्या बताना बाकी है, मैं तो तुम्हारी कोई लगती ही नहीं हूँ। अरे मम्मी बिगड़ क्यों रही हो, पहले भाई की बात तो सुन लीजिए। तू बड़ा है भाई का चमचा, तू तो बता सकता था। ये इस पागल की मम्मी है, ये तो बिल्कुल मेरी मम्मी की जैसी ही है, लगता है सारी दुनिया की मम्मियां ऐसी ही होती होंगी। मम्मी मम्मी शांत हो जाइए प्लीज, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। इनू मम्मी को पानी दो। मुझे पानी वानी नहीं चाहिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। वही तो दे रहा हूँ मम्मी, लेकिन आप सुन ही नहीं रही हो। हाँ तो बको। ये देखिए मम्मी, आपकी होने वाली बहू जिमिन, जिससे मैं कल ही मिला और मुझे इसे देखते ही प्यार हो गया, और आज मैं इसके साथ शादी कर रहा हूँ मम्मी। हाँ हाँ ठीक है कोई बताने की जरूरत नहीं है। वैसे जरा मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली बहू कैसी दिखती है, जो मेरे बिल्लू को एक ही झलक में पटा लिया। हे भगवान, तू कहाँ से उठा के लाया है इस चांद के टुकड़े को, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल। मान गई शुगा तुझे तो आज में, वाकई में तू मेरा बेटा है। क्यों मम्मी, आपको जिमिन पसंद आई? हाँ बहुत ज्यादा, जिमिन पैर पैर छू मम्मी के। क्या मम्मी का पैर छूकर आशीर्वाद लो। फिर जिमिन जन्नी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। आशीर्वाद दीजिए। हाय कितनी संस्कारी है मेरी होने वाली बहू। बेटा दूधो ना हो फूलो फूलो, और मुझे जल्दी से एक नन्ना मुन्ना पोता दो। क्या अरे मम्मी आप भी ना कैसी बातें कर रही हो, अब तक शादी कहाँ हुई है? हाँ हाँ पता है, लेकिन हो तो जाएंगे ना। हाँ मम्मी रुको, और ये एक और चांद का टुकड़ा, अब ये कौन है? जंगकुक। मम्मी वो ये जिमिन भाभी की छोटी बहन है ताई, और मैं भी इससे जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। क्या तुम भी इसके साथ शादी करने वाली हो? तो तुम कब मुझे बताने वाले थे? वही तो बता रहा हूँ मम्मी, अपनी बकवास बंद करो,
हाय, तुम भी अपनी बड़ी बहन से कुछ कम नहीं हो। मैं तो आज बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी होने वाली बहू है लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। ताई मम्मी के पैर छू। व्हाट, तुमने मुझे पागल समझा है कि मैं तुम्हारी मम्मी के पैर छूंगी? ताई, अगर जिमिन भाभी ने मम्मी के पैर छुए हैं तो तुम्हें छूने में क्या हर्ज है? मैं नहीं छूंगी, समझे तुम? और नहीं छुए तो क्या ही बिगाड़ लोगे तुम मेरा? ताई बेबी, अगर तुमने मम्मी के पैर नहीं छुए तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त सबके सामने किस कर लूंगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो? बेबी, करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे ये सही तो बोल रहा है, अगर ये उठा के हमें यहाँ तक ला सकता है तो किस करनी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ताई भी जन्नी के पैर छू लेते हैं। खुश रहो बेटा, तुम भी दूध नहाओ और फूलो फूलो। इन वो मेरे बेटे की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? जी ठीक है मैम। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बेबी, मैंने कब कहा है तुम्हें छोड़ने को? हेलो, मैं जन्नी बोल रही हूँ। आज मेरे बेटे की शादी है और मुझे मेरे बेटे और बहू के लिए वेडिंग ड्रेस चाहिए, तो जो भी बेस्ट कलेक्शन होगा वो जल्द से लेकर जॉन मेंशन में आ जाओ। ओके मैम, जैसा आप कहे। देखा जी मीना बेबी, हमारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? आज हम दोनों एक हो जाएंगे। मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा हूँ। तुम भी आज खुश हो जाओ जिमिन। मैं और खुश? कैसे हो सकती हूँ मैं खुश? आज मेरी जबरदस्ती शादी हो रही है। बच्चों में पागल हो जा रही हूँ मेकअप करवाने, क्योंकि आज मेरे सोने बेटे की शादी जो है, आज मुझे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखना है। और हाँ, तुम लोग भी रेडी हो जाना, ठीक है? तुम लोगों के लिए भी ड्रेसेस मंगवा ली है मैंने, और हाँ, मेकअप वाले को भी बुलवा लिया है ताकि वो हमारे प्यारे जीवन भाव और टाइप को मेकअप कर दे। फिर जिन्नी वहाँ से चली जाती है और जंगू मेट को आवाज देता है, सुनो जिमिन भाभी और टाइ को गेस्ट रूम में लेके जाओ, जाओ जल्दी। जी ओके सर। चलिए मैम। फिर मैं जिमिन और टाइ को गेस्ट रूम में छोड़ के आती है। दीदी, आप उस माफिया के साथ कैसे शादी कर सकती हो? मत कीजिए दीदी। ताई, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं खुद से शादी नहीं कर रही हूँ, वो मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है। दीदी, हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। हाँ ताई, मैं भी कब से यही सोच रही हूँ कि हम कैसे निकले यहाँ से बाहर। क्या करें कि हम यहाँ से बाहर निकल जाए? मिल गया रास्ता ताई। कैसा रास्ता? ये देखो टेलीफोन ताई, इससे हम हमारे घर वालों को कॉल करके बुला सकते हैं। फिर जिमिन कॉल करती है। हेलो, शुगा, तुम्हें क्या लगा जिमिना बेबी कि हम इतने पागल हैं कि तुम दोनों के पास ऐसी चीजें रख दे जिससे तुम दोनों भाग पाओ? वायर तो मैंने कब से काट दी थी बेबी, क्योंकि हमें पता था कि तुम दोनों कुछ ऐसी ही हरकतें करने वाली हो। यहाँ से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि हमारी मर्जी के बिना तुम लोग कहीं नहीं जा सकती हो, समझी? तुम आखिरकार खुद को समझते क्या हो कि हमें यहाँ पे बंदी बनाकर हमसे शादी कर लोगे? हमारे घर वाले जल्दी आ जाएंगे यहाँ पे और हमें यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे। हाँ ताई बेबी, तुम्हारे घर वाले जरूर आएंगे, लेकिन भैया और भाभी को आशीर्वाद देने, ना कि तुम लोगों को यहाँ से लेके जाने, समझे? फिर जंगू और शुगर ताई और जिमिन को कमरे में लॉक करके चले जाते हैं। मुझे शादी नहीं करनी है ताई, मैं इस माफिया से शादी नहीं करूंगी। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। दी, आप रोइए मत, आप बिल्कुल भी मत रोइए। मुझे पूरा विश्वास है हमारे घर वाले हमें छुड़ाने जरूर आएंगे। आपकी शादी इस माफिया से नहीं होगी। नहीं ताई, मुझे नहीं लगता है कि हमारे घर वाले हमें इनके चंगुल से बचा पाएंगे। तुमने देखा नहीं ताई, उनके पास कितने ज्यादा बॉडीगार्ड्स हैं, कितने सारे बंदूकें हैं। मैं उन बॉडीगार्ड्स और बंदूक से नहीं डरती हूँ दी, ये शादी हम नहीं होने देंगे दी। नहीं ताई, इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी, मैं अपनी बेटियों की शादी उनके साथ कभी नहीं होने दूंगी। कैसे रोकोगी जिनू? वो लोग कितने पावरफुल है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। सब पता है नामजुन, सब पता है, लेकिन मैं उनसे नहीं डरती हूँ। तभी वहाँ पे ताई और जिमिन के सारे दोस्त आ जाते हैं। जिन आंटी, वायन। हाँ जिन आंटी, वो मैं आपसे ही मिलने आई थी। वो जिन आंटी, कल मेरा बर्थडे था और हम सब लोग बार में चले गए थे और इस ताई ने हमें कल शराब भी पिला दी थी। हमें पता है ताई और जिमिन ने भी शराब पी थी, बट उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। बताओ ना ताई, बताओ। हाँ आंटी, ये सारी गलती मेरी थी, मैंने सबको झूठ बोल के शराब पिला दी थी। आंटी, भले ही इसमें काय की गलती होगी, लेकिन हम भी इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। ओह, तो तुम लोग हो ताई और जिमिन के दोस्त, तुम लोगों को अंदाजा भी है तुम लोगों की वजह से क्या हुआ है? जी हो, शांत हो जाओ। क्या हुआ है आंटी जी, आप हमें बताओगे क्या हुआ है? वायन बेटा,
हमारे ताई और जिमिन को माविया लेके चले गए। जिन सारी बातें उन सबको बता देती है। क्या जिन आंटी, क्या आप सच बोल रही हो? हाँ बेटा, और वो आज रात हमारी ताई और जिमिन के साथ शादी करने वाले हैं। क्या जिन आंटी, लेकिन आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? करने वाले थे, लेकिन पुलिस तक उनसे डरती है। तो फिर हम उन्हें उनके चंगुल से कैसे बचाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई माफिया वाफिया मेरे ताई के साथ शादी नहीं कर सकता। मैं इतने सालों से ताई से प्यार करता हूँ। और कोई दूसरा आके मेरे ताई को मुझसे छीन लेगा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिन आंटी, नामजुन अंकल, हमें ये शादी कैसे भी करके रोकनी पड़ेगी। वायन बेटा, लेकिन कैसे कैसे रोकेंगे हम? अगर हम ये सब रोकने भी जाएंगे फिर भी उनके आदमी हमें रोक देंगे। हम उन्हें रोकेंगे, हम उन्हें जरूर रोकेंगे। हम जॉन मेंशन जाएंगे। चलो दोस्तों, अंकल आंटी, चलिए हम वहाँ पे जाएंगे और ये शादी रोक देंगे। ताई बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें ही रोकनी पड़ेंगे ये शादी। हाँ बिल्कुल सही, चलिए अंकल आंटी। ठीक है, तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम ताई और जिमिन को जरूर छुड़ा के लाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। हमें हमारी सेफ्टी के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि वो माफिया है तो उनके पास गन होंगी, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमारे पास गन नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास लाठी और झाड़ू है, हम उससे सामना करेंगे उनका। लेकिन मम्मी, वो झाड़ू और लाठी बंदूक का सामना नहीं कर पाएंगी। करेगी जरूर, जरूर करेंगी। उधर साइड जॉन मेंशन में सारी शादी की तैयारियां हो चुकी होती है। मैम ये लीजिए आपकी वेडिंग ड्रेस, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, फेंक दो बाहर। लेकिन मैम, आपको ये ड्रेस पहननी पड़ेगी, सर ने कहा है। तुम्हारी बॉस की तो ऐसी की तैसी, ये ड्रेस यहाँ से जल्दी ले जाओ, वरना मैं इसे कीचड़ में फेंक दूंगी। तभी शुगा और जंगुक वहाँ पे आ जाते हैं। जिमिना बेबी, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? देखो शुगा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे ये शादी नहीं करनी है। बस बहुत हो चुका तुम्हारा, बहुत बार सुन लिया कि ये शादी तुम्हें नहीं करनी है, लेकिन तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, समझी तुम? और बेबी, चुपचाप से ये वेडिंग ड्रेस पहन लो, देर हो रही है। मैं नहीं पहनूंगी, तुम क्या कर लोगे? जंगुक, तुम ताई को लेकर बाहर चले जाओ। मैड, तुम भी बाहर चले जाओ, मुझे जिमिन के साथ कुछ बात करनी है। जी बॉस। ऐसा कह के मैड वहाँ से चली जाती है और जंगुक भी ताई का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? भाई ने कहा ना अभी हमें यहाँ से जाना है, तुमने सुना नहीं क्या? छोड़ो मेरा हाथ, मैं जिमिन दी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। चुपचाप चलो ताई मेरे साथ, छोड़ो मेरा हाथ। ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा। क्या? हे, तुम ये क्या कर रही हो? उतारो मुझे नीचे, उतारो, ये क्या कर रही हो तुम? शट अप, तुम पागल हो गई हो क्या? उतारो मुझे, नीचे उतारो। जंगू वहाँ से ताई को लेके चला जाता है। जिमिना बेबी, ये ड्रेस जल्दी से पहन लो, शादी का समय निकला जा रहा है। मैंने कितनी बार कहा है मुझे ये शादी नहीं करनी है, तुम्हें समझ में नहीं आता है? आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और चुपचाप ये ड्रेस पहन लो। देखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, शायद ही तुमसे कोई इतना ज्यादा प्यार करेगा जितना मैं करता हूँ। प्लीज प्लीज तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। शादी के बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जिमिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन ट्रस्ट मी बेबी, तुम्हें मुझसे जल्दी ही प्यार हो जाएगा, देखना। और जिस दिन तुम्हें मुझसे प्यार होगा, उस दिन तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कभी नहीं करोगी। देखो, अब जल्दी से ये ड्रेस पहन लो और नीचे आओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। और अगर मैं नहीं आई तो? जिमिना बेबी, अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद आऊँगा और तुम्हें ये ड्रेस पहना के नीचे लेके जाऊँगा। क्या? हाँ बेबी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में ऐसा करूँगा। अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। अब नीचे उतारो मुझे। ठीक है बेबी, उतार रहा हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? जंगकुक ताई को नीचे उतार रहे हैं। तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की? बेबी, तुम हिम्मत की बात कर रही हो? मुझे तुम्हें हाथ लगाने के लिए किसी हिम्मत की जरूरत नहीं है। शट अप। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये देखो तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस है, तुम्हें जो अच्छी लगे वो पहन के नीचे आ जाओ। भाड़ में गई तुम्हारी ड्रेसेस, मैं कुछ नहीं पहनने वाली हूँ। बेबी, ड्रेस तो तुम्हें पहननी ही पड़ेगी। मैंने कहा मैं ये ड्रेसेस नहीं पहनूंगी। शट अप।
मेरे सामने ऊंची आवाज करके बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम? और चुपचाप ये ड्रेस पहन के नीचे आ जाओ। समझ गई ना ताई बेबी? मैंने कहा ना मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी। अच्छा ठीक है ताई बेबी, तुम्हें ये ड्रेस नहीं पहननी है ना, तुम्हें शायद प्रॉब्लम हो रही होंगी पहनने में। ठीक है तो ये ड्रेस मैं तुम्हें पहना देता हूँ। व्हाट, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? बेबी पागल तो मैं हूँ तुम्हारे प्यार में। देखो तुम ऐसा नहीं करोगे। ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही करूँगा। नहीं दूर हटो, तुम दूर हटो, मेरे पास मत आओ। देखो मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। बेबी तुम्हें कपड़े पहनाने के लिए पास तो आना ही पड़ेगा। देखो तुम मेरे पास मत आना मेरे पास। बेबी लेकिन कपड़े पहनाने के लिए पास तो आना ही पड़ेगा, तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओके ओके ठीक है पहन रही हूँ, मेरे पास मत आओ। ये हुई ना बात बेबी, मैं भी तो तुम्हें कब से यही बता रहा था। चलो ठीक है पहन लो जल्दी से। ठीक है पहन रही हूँ, बाहर जाओ। बाहर? लेकिन क्यों? अगर तुम चाहते हो कि मैं ये ड्रेस पहन लूँ तो तुम बाहर जाओ प्लीज। लेकिन क्यों, मैं क्यों बाहर जाऊँ? अगर तुम्हें ड्रेस पहननी है तो यही पहनो मेरे सामने। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ये ड्रेस तुम्हारे सामने पहनूं? हाँ ताई बेबी तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यही चाहता हूँ कि ये ड्रेस तुम मेरे सामने पहनो। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अच्छा बेबी तुम मेरा सर फोड़ दोगी? ये क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मैं जरूर आऊंगा। देखो मैंने कहा मेरे पास मत आना। कुत्ते कमीने मेरे पास मत आओ, मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। इस रात के लम्हे संग मेरे काट ले, नींद को छेड़ के तू संग मेरे जाग ले। इन लबों को तू भी अपने ही लबों पे जगा दे, प्यार दे मुझे तू प्यार दे जरा नजदीक। ओके आर्मी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, लव यू सारंगी।